हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए थे। इतिहास में हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे आपका मुगल साम्राज्य और मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को, जिसमें देखना है हमें मराठा साम्राज्य के बारे में। कौन सा? मराठा साम्राज्य। तो इसमें बात करते हैं हम लोग शिवाजी के बारे में। सबसे पहले शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी है इनका समय। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? पूना के शिवनेर में। कब? 1627 ईस्वी में। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम था शाहजी भोंसले। ठीक है। शिवाजी ने 1643 में अपने पिता की जागीर के प्रशासक के रूप में पुणे में प्रारंभ किया। शिवाजी ने शासनकार 1647 में संभाला। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव उनके गुरु दादाजी कोंडदेव का था। कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। तो याद रखना है शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627 में। कहाँ हुआ था? पूना के शिवनेर में। इनके माता के नाम क्या था? जीजाबाई। और पिता का नाम शाहजी भोंसले। ठीक है। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा? उनके दादाजी कोंडदेव का। शिवाजी के ये भी बहुत पहुँच लेता है वक्त। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। समर्थ रामदास ने दासबोध एवं आनंदवन भवन नामक पुस्तक लिखी। समर्थ रामदास ने मराठा धर्म का प्रतिपादन किया। अपने जीवन काल में शिवाजी ने 240 किलों का निर्माण कराया। कितने? 240। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 में तोरण किले पर अधिकार किया। शिवाजी ने 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। तत्पश्चात 1646 में तोरण पर अधिकार किया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शाहजी को 1647 में कैद किया गया। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 में युद्ध किया। शिवाजी ने 1659 में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी ने 1659 में बीजापुर के महत्वपूर्ण सरदार अफजल खां को वघन खे से मार डाला। शिवाजी ने सूरत को प्रथम बार 1664 ईस्वी में लूटा। शिवाजी ने सूरत को प्रथम बार कब लूटा? 1664 ईस्वी में। शिवाजी को राजा की पदवी औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने 1665 में आमेर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। जयसिंह ने पुरंदर को जीत लिया था। शिवाजी ने से पुरंदर की संधि की। जयसिंह ने पुरंदर को जीत लिया, उसके बाद शिवाजी से पुरंदर की संधि हुई इन दोनों के बीच। 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में आगरा में रखा था। तो ये पूछ लेता है कई बार कि औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? तो याद रखना है जयपुर भवन आगरा में। शिवाजी का साम्राज्य स्वराज एवं मुल्द ए कादिम नामक दो भागों में विभक्त था। मराठा शब्दकोश। मराठी शब्दकोश की रचना रघुनाथ पंडित हनुमंत ने की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। इनमें कौन कौन शामिल है? पेशवा या प्रधानमंत्री होता था, आमात वित्त मंत्री होता था, वाकिया नावीस एक कानून व्यवस्था एवं गुप्तचरी का प्रावधान होता था, सचिव राजकीय संवाद की देखरेख करता था। पेशवा या प्रधानमंत्री था, याद रखना है, अमात वित्त मंत्री था ये,
बाकिया नवीस, वाकिया नवीस एक कानून व्यवस्था एवं गुप्तचरी का प्रधान था। सचिव जो था आपका राजकीय संवाद की देख रेख करता था। पांचवा है आपका सुमंत, सुमंत जो था ये विदेशी मामलों तथा समारोहों की देखभाल करता था। पंडित राव दान एवं धार्मिक मामलों मामले देखता था। सर ए नौबत ए सेनापति था आपका, न्यायाधीश मुख्य न्यायकर्ता होता था। ठीक है, ये हैं आपके अष्ट प्रधान। शिवाजी ने राज्यभिषेक रायगढ़ में 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी ने सूरत पर दूसरा आक्रमण 1670 ईस्वी में किया। शिवाजी ने मराठी को राजभाषा बनाया। शिवाजी की सेना का मुख्य भाग घुड़सवार और पैदल सेना थी। घुड़सवार दो प्रकार के थे इस समय, एक बरगीर एसाई घुड़सवार थे जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे, सिलेदार इन्हें घोड़े एवं शस्त्र स्वयं खरीदने पड़ते थे। ठीक है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। मराठा कराधान प्रणाली में दो सर्वाधिक कर चौथ और सरदेशमुखी थे, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौथ। चौथ क्या है आपका, विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के एक चौथाई के रूप में वसूल किया जाता था। चौथ राज जो चौथ कर था, ये जो इनके राज्य जीत लिए जाते थे उनके क्षेत्रों से उपज के एक चौथाई रूप में वसूले जाते थे। सरदेशमुखी था, यह आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था, जो कि एक अतिरिक्त कर था। राजा राम ने 9वें मंत्री को शामिल कर प्रतिनिधि नाम दिया। पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया। पेशवा के सचिवालय को हुजूर दफ्तर पूना में कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर था अलवरीज दफ्तर। गांव के मुख्य अधिकारी को पटेल अथवा पाटिल कहा जाता था। गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे, पटेल या पाटिल। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया। शिवाजी हिंदव धर्मोद्धारक की पदवी के साथ छत्रपति के आसन पर बैठे थे। शिवाजी के राजपुरोहित गंगा भट्ट थे। गंगा भट्ट ने शिवाजी को मेवाड़ के सिसोदिया वंश का क्षत्रिय घोषित किया। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुए। ठीक है, संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी। 1689 ईस्वी में संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार डाला गया। संभाजी की पत्नी येसुबाई तथा पुत्र साहू को रायगढ़ के किले में मुगलों द्वारा कैद किया गया था। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजा राम को मराठा मंत्री परिषद से ने राजा घोषित किया। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। साय को 1707 में राजकुमार आजम ने रिहा किया। साहू को 1707 में राजकुमार आजम ने रिहा कर दिया था। साहू के कोई पुत्र नहीं थे, अतः 1749 में अपनी मृत्यु से पूर्व ताराबाई के पुत्र राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया थे उन्होंने। छत्रपति साहू व राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई के मध्य चल रहे गृह युद्ध से पेशवाओं की शक्ति को बढ़ा दिया। 1713 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया था। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। साहू ने बाजीराव प्रथम को
योग्य पिता का, योग्य पुत्र का, किसने? साहू जी ने बाजीराव प्रथम के लिए कहा। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पादशाही का आदर्श रखा। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम लोग सिख धर्म के बारे में, सिख के बारे में। ठीक है।